तो टाइम हो चुका है रात के 8:30। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि कैतरीन की जो आईडी है ना, बैग है, वो गिर गया था, जिसमें कितनी की सारी आईडियां हैं। तो उस कंप्लेंट को लिखवाने के लिए अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में। तो पिछले कई दिनों से बड़ी लगातार मतलब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम बड़ा अच्छा रहता है, गर्मी महसूस नहीं हो रही कुछ दिनों से। तो हमारा पानी का बिल आ गया है, दिखाता हूँ पहले कितना आया। तो हमारा जो पानी का बिल है ना, वो है 130 जी, एवरी मंथ आता है। तो ये देखो 130, कभी कभी 200 भी आ जाता है, कभी कभी 180 भी आ जाता है, इस बार बहुत कम आया 130। खैर चलो, तो अभी मैं जा रहा हूँ कैतरीन को छोड़ने के लिए उसके काम से। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर दी जाए। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पप्पी गरेवाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रेडी? राइस। चलो पहले कैतरीन को छोड़ के आता हूँ। कभी को देखो क्या कर रहा है। चल कभी, चल। हाँ तो टाइम है 8:30, ठीक है। तो अभी मैं कैतरीन को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ उसके काम पे। और एक बात और, बहुत सारे लोग यार अभी भी मुझे मैसेज करते रहते हैं कि जो इंडिया से फिलीपीन की फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि उन्हें टूरिस्ट वीज़े पे, मतलब वो सिंगापुर एंट्री पे फिलीपीन में आना है। तो यार मैंने वैसे अपनी कई वीडियो में कहा है कि इस साल आप लोग भूल जाओ, क्योंकि क्योंकि अभी जो फ्लाइटें स्टार्ट होंगी ना, उसमें जो लोगों के पास वीज़े हैं, जैसे किसी ने शादी कर रखी है या किसी अदर तरह का वीज़े है ना, पहले वो लोग आएंगे, पहले उन्हें ऑप्शन मिलेगी, ना कि डायरेक्टली जो टूरिस्ट लोग मतलब आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों के दिल में शायद ये डाउट है कि अभी तो बहुत टाइम हो गया है, तो अब तो स्टार्ट हो ही गया है। कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आप लोग और थोड़ा सब्र करो, जब ही काम सारे स्टार्ट हो जाएंगे तो पता चल ही जाएगा वैसे सभी को, लेकिन अभी के लिए कुछ भी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। और स्पेशली टूरिस्ट तो बिल्कुल बंद है, ठीक है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने, ये वाला साल आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि ये वाले साल में आपकी बात नहीं बनने वाली। तो अगर जल्दी स्टार्ट हो भी जाता है, चलो खुदा ना खास्ता, तो कोई बात नहीं यार, न्यूज़ मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये जो भी ऑन अराइवल लोग हैं, ये सारे बैठ जाओ चुप करके, क्योंकि अभी कुछ भी जान नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन दोबारा से नहीं उठेगा। ओके पापा यहाँ चलो। तो भाई लोग अभी निकलते हैं घर के लिए वापस। तो आज है संडे और यहाँ पे चलेगा बास्केटबॉल, मतलब आने वाले हैं सारे लोग। और मेरे शेरू को पता नहीं कहाँ पे लगाया है इन लोगों ने। बाकी इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था ना कि मुझे मेरा मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ है, तो मुझे 2-3 भाइयों के मैसेज आए और मैंने कमेंट भी देखे कि ये कोविड की उन्होंने कहा कि निशानी है। तो उस चक्कर में मैं फिर से डॉक्टर के पास गया था, तो मैंने उसे बताया कि ये मेरे प्रॉब्लम है, मेरा मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ है। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ साइन होते हैं कुछ, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मेरा बुखार जो है पहले ज़्यादा था, उस चक्कर में खाना वाना नहीं खाया एक हफ्ता फिर से, क्योंकि मैंने उससे बात की। तो उसने कहा कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता देता हूँ कि कोविड नहीं है भाई, क्योंकि मैं दोबारा फिर से गया था जिस डॉक्टर से मतलब पहले दवाई ली थी उसी के पास, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ। और मैं तो नेस्कैफे लेने के लिए बाहर आया था, क्योंकि चाय पीने का मन नहीं है।
तो अगर मैं बात करूँ ना फिलीपीन में गर्मी की, वैसे तो यहाँ पे गर्मी रहती है लेकिन फिर भी वो इंडिया लेवल वाली गर्मी यहाँ पे नहीं होती है, जितना मैंने नोटिस किया है इस देश को जितने टाइम से मैं रह रहा हूँ। तो मतलब गर्मी होती है, कभी कभार आपको महसूस भी होती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे क्या है कि बारिश होती रहती है कुछ कुछ टाइम के बाद, तो जिससे जो मौसम है ना अच्छा ही रहता है, बहुत तगड़े लेवल वाली गर्मी आपको महसूस नहीं होती है। तो अभी भी बारिश हो रही है, ये देखो अभी कम हो चुकी है लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। और जब मैं फिलीपीन में एंटर हुआ था ना, मुझे आज भी याद है वो महीना जून या जुलाई का था जब भी मतलब मैं यहाँ पे आया था, और जब भी मैं एयरपोर्ट से एंटर ही हुआ था यहाँ पे बाहर ही निकला था मतलब, तो भी बारिश हो रही थी। और उसके बाद हम घर में आ गए क्योंकि पहली रात जो हमने रहे थे वो कैथरीन की बहन के घर में रहे थे, मुझे याद है। तो उस दिन भी बारिश हो रही थी, ठीक है। उसके बाद सो गए, दूसरे दिन उठे, उस उठने के बाद भी बारिश हो रही थी भाई। तो फिर हमने चीज़ें खरीदनी थी थोड़ी थोड़ी, है ना, कुछ सामान अपना नॉर्मल, क्योंकि अब मैंने दूसरे दिन ही अपना घर जो है अलग ले लिया था। तो इसी घर में मतलब आए थे, ये जो घर आप देख रहे हो, तो ये दूसरे दिन ही सारा कुछ चेंज कर लिया था, चीज़ें वीज़ें थोड़ी बहुत कतरी ने ऑलरेडी खरीद रखी थी। कुछ चीज़ें हमने क्या किया था, कोरियर से जॉर्डन से भेज दी थी, जो मेरी नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं ना, तो वो भेज दी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इस तरह से ना बारिश का बड़ा सामना करना पड़ा था वो पहले दो तीन दिन जब भी मतलब आया था, और बड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि यार जी बारिश बंद ही नहीं हो रही, ये चीज़ लेके आनी है, ये चीज़ लेके आनी है ना। तो लेकिन अभी तो थोड़ी आदत हो गई है बारिश की, लेकिन उस टाइम आदत नहीं थी, धीरे धीरे हो जाती है। तो ये है मेरी थोड़ी सी पुरानी स्टोरी, पुरानी मेमोरी। अभी बारिश बिल्कुल कम हो गई है लेकिन है अभी भी हल्की सी। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई। तो टाइम हो चुका है रात के 8:30, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन क्योंकि कैथरीन की जो आईडी है ना, बैग है, वो गिर गया था, जिसमें कैथरीन की सारी आईडियां हैं। तो उस कंप्लेंट को लिखवाने के लिए अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में। तो अब शुरू में पेट्रोल की कमी थी, तो अभी हम लोग हैं पेट्रोल पंप पे, बस यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे और निकलेंगे पुलिस स्टेशन के लिए। बैठे, तो ये रहा पुलिस स्टेशन। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, चलो बाकी अंदर तो वीडियो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यार कैथरीन के पास के चक्कर में काफी हमें घूमना पड़ रहा है। तो पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने बोला कि जिस एरिया में जैसे आपको डाउट है यहाँ पे गिरा है ना, तो वहाँ से पता नहीं कहीं से पेपर लेना होता है, लिखवाना होता है वहाँ पे जाके। तो वो अभी उस साइड में हम लिखवाने के लिए आए हैं, और यहाँ से लिखवा के फिर जाके पुलिस कंप्लेंट वहाँ पे दोबारा, आफ्टर वी विल बैक अगेन पुलिस स्टेशन पर। तो ये अलग ही सीन हो रहा है हमारे साथ। हेलो एवरीवन, तो आज है एक नया दिन। तो कल रात मैं वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि कल रात हमारी काफ़ी भागा दौड़ी हुई। पहले हम आपको बताया कि पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि एक न्यूट्री वालों के पास एक फॉर्म लेके आओ, लॉस का फॉर्म, तो उनके पास वो फॉर्म शायद अवेलेबल नहीं होता, तो हम वहाँ पर वो फॉर्म लेने के लिए गए। तो नाइट हो गई थी, रात काफ़ी हो गई थी, इस चक्कर में हमें वो फॉर्म नहीं मिला। उसके बाद पुलिस स्टेशन पास में ही था, हम फिर पुलिस स्टेशन में चले गए कि ऐसे ऐसे ये बात है, सारा कुछ बंद है, तो फॉर्म हमें मिला नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आप कल सुबह मतलब ले आना आप फॉर्म, तो कल सुबह मतलब हम रिपोर्ट जो है वो लिख लेंगे। रिपोर्ट का मतलब ये होता है, रिपोर्ट करने का, अगर किसी भले आदमी को वो पर्स मिल जाए तो वो जितनी भी कैथरीन की आईडियां वगैरह हैं तो वो वापस मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई ढूंढने चले जाएगी हमारा पर्स, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये होता है कि अगर किसी ने जमा करवा दिया किसी भी साइड में, बरंगाई में या पुलिस स्टेशन में, तो ईजिली मिल जाता है। तो रिपोर्ट करने का मतलब ये होता है, तो इसलिए हम रिपोर्ट रात में ही कर देना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया कल रात, ठीक है। और उसके बाद कैथरीन ने वहाँ पे कहा कि मुझे लगता है कि मेरा पर्स जो है ना चोरी हुआ है, ऐसा शायद उसे लगता था कि क्योंकि बोली कि जब मैं ब्रिज क्रॉस किया तो ब्रिज के ऊपर जब चढ़ने लगी थी तब पर्स था, तो बैग जो है इस तरह पीठ के पीछे डाला था, तो जिप किसी ने जिप खोल के, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है, शोर शराबा होता है ना, तो जिप खोल के किसी ने पर्स निकाल लिया है। तो वहाँ पर CCTV कैमरा है, ठीक है, क्योंकि जब हम रात में गए वहाँ पे हमने देखा कि CCTV कैमरा है। तो हमने पुलिस वालों को कहा कि हमें अगर CCTV फुटेज देखनी है तो क्या करना होगा, तो बोले कि तो आप लोग बरंगाई में जाओ,
तो वरंगाई में इनका मतलब ऑफिस होता है, हेड ऑफिस जो एरिया का, तो वहाँ से आप सीसीटीवी फुटेज जो है निकलवा सकते हो, देख सकते हो। तो फिर हम रात में ही उधर चले गए, तो उधर जाके भी पता चला कि जो बंदा सीसीटीवी फुटेज मतलब हमारे लिए निकालेगा जहाँ आम लोगों के लिए निकालने के लिए बैठता है, वो नाइट उसकी ड्यूटी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो घर चला जाता है तो ड्यूटी उनकी 12 घंटे की होती है, ठीक है, जैसा उन्होंने बताया। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो आज मतलब अगले वाले व्लॉग में शायद आपको पता चलेगा आज शाम तक कि हम लोग गए नहीं गए, रिपोर्ट करवाई या क्या हुआ, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है मुझे लगता है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मिलेंगे नई वीडियो में, बाय।